नमस्कार, मैं सुरभि और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। इस वक्त की बड़ी खबर नेपाल की राजधानी काठमांडू से सामने आ रही है, जहां त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुबह उड़ान भरने के दौरान एक निजी एयरलाइंस कंपनी का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। जानकारी के मुताबिक उसमें 19 लोग सवार थे, इसमें 18 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। जहां ताजा जानकारी की बात करें तो विमान पोखरा जा रहा था, सुबह करीब 11 बजे दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। हवाई अड्डे पर तैनात एक सुरक्षा अधिकारी ने बताया है कि विमान के पायलट को अस्पताल ले जाया गया है। उन्होंने बताया कि विमान में लगी आग को बुझा दिया गया है। पुलिस और दमकल कर्मी घटनास्थल पर बचाव अभियान चला रही हैं। यात्रियों की स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी फिलहाल नहीं मिल पाई है।